मुंडापांडी ब्लॉक के ग्राम पंचायत गोविंदपुर कला में कोरोना काल में कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए कक्षा 1 से कक्षा 12 तक का स्कूल का संचालन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत क्षेत्र के लोगों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद से की है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि एसएस पब्लिक स्कूल बिना मान्यता के कक्षा 1 से कक्षा 12 तक अभिभावकों को गुमराह करते हुए अपने आप को मान्यता प्राप्त स्कूल बताकर छात्रों के परिजनों से बिना टीसी मार्कशीट लिए मोटी रकम लेकर अपने स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, जो कि गैरकानूनी है और इससे आगे चलकर यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने की पूरी संभावना है। इसने ऐसे फर्जी रूप से चलने वाले विद्यालयों को चिन्हित कर सख्त कार्यवाही की जाए। इस पर बीएसए बुद्ध प्रिय सिंह मुरादाबाद का कहना है कि मामला मीडिया के माध्यम से मेरे सामने आया है, इस मामले पर जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। राम रईस नाम है मेरा, मैं साहब मोहम्मदपुर में रहता हूँ। गोविंदपुर में स्कूल मामला ये था, अब ये हमारे गांव के ही, वैसे तो इन्होंने स्कूल खोल रखा है और ना तो इनके कोई ऐसा सिस्टम है जो बच्चों को टीसी मार्कशीट दिए जाए, ना मानता है, ये खिलवाड़ी कर रहे हैं लगभग बच्चों के साथ साहब, और 1 से कक्षा 12 तक विद्यालय चला रहे हैं ये, और 350 के समथिंग लगभग बच्चे हैं इन पर। बिल्डिंग तो सर ऐसे मान लो कि ऐसे हालात में कि टीन वगैरह डाल रखी है, थोड़ी थोड़ी दीवार करके, और पीछे छप्पर डाल रखा है, किसी कहीं कोई ग्लास पाखड़ के नीचे लग रही है तो कोई ऐसे ही छप्पर में लग रही है, दीवार के सहारे इन्होंने कच्ची दीवारों के सहारे लगा रखी है। शिकायत सब बीएससी साहब के यहाँ की है, डीआईओएस के यहाँ भी की है, क्योंकि कक्षा 1 से 8 तक वो भी हक बनता है बीएससी साहब का, डीआईओएस को 1 से इंटर चला रहे हैं वो, हमने वहाँ भी की है। वैसे इस बात में एक्शन भी है, लेकिन ये जो है उन्हें गुमराह अधिकारी लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं, कह देते हैं कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। उन्होंने यही कहा था हम पूरे एक्शन में, और ऐसा नहीं है कि ये हमें गुमराह कर सकते हैं, हम गुमराह नहीं होने के हैं। वैसे उनसे ये बता रहे थे कि हमसे यही कहा गया है कि विद्यालय नहीं है बल्कि कोचिंग है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसको भली भांति जान गए, कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, कोचिंग सेंटर में कितनी बजे तक टाइम होता बढ़ाने का? और कोचिंग सेंटर का सर विद्यालय से तो कोई लेना देना ही नहीं है, विद्यालय के बाद ही कोचिंग सेंटर कोई भी हो चला सकता है, या विद्यालय के समय से पहले, बाकी ये 9 से या 6 8 से 7 से ये चला रहे हैं ये विद्यालय लगभग ऐसे मान लो 7 बजे से और 11 बजे तक विद्यालय चलाते हैं लगभग। अच्छा, क्या अब आप क्या चाहते हो? ये जाना था अगर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में या बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कोई अंतर नहीं होता है तब तो कोई बात ही नहीं है, यदि ऐसा है कि मान्यता लेनी चाहिए और होना भी चाहिए मान्यता, तो हम सभी प्रशासन से ये अनुरोध है कि साहब मान्यता प्राप्त विद्यालयों में थोड़ी हेल्प करें, मदद करें, यही सर। अजय कुमार सिंह। अच्छा, एक शिकायत थी गोविंदपुर कलाना के फर्जी स्कूल चल रहा था मामला। हाँ जी, चल रहा है, और बिना टीसी और मार्कशीट के ही बच्चों को बहला बहला कर, और ये जो सतवीर सनोप श्री कंप्यूटर सिंह निवासी ग्राम मोहम्मदपुर के, वो गोविंदपुर कला में ऐसा फर्जी स्कूल चला रहे हैं, और कोई जांच करने अधिकारी पहुंचता है तो उनसे कहते हैं हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं। अच्छे, कब से चला रहे हैं? पिछले पूरे कोरोना पीरियड में, कोरोना के किसी भी नियम का इन्होंने पालन नहीं किया, पूरे कोरोना पीरियड में हम लोग स्कूल बंद करे पड़े रहे और ये स्कूल चलाते रहे, गार्जियन से ये कहते रहे कि हमें तो स्कूल चलाना है अभी। अच्छा, लगभग कितने बच्चे हैं स्कूल में? लगभग 300 बच्चों के करीब होने चाहिए मेरा। अच्छा, क्या? हाँ जी, हमने प्रत्येक अधिकारी से इसकी शिकायत की है और अधिकारी इसमें एक्शन भी ले रहे हैं। क्या अधिकारी हमसे एबीएसए साहब ने कहा है कि हम इसके खिलाफ पूरा एक्शन लेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं बोले 6 महीने बाद बोल रहे हैं सक्रिय स्कूल के लोग जिसको चलाते हैं, 6 महीने बाद हमारे पास भी लोग बात हो रही है और बोले हमें मान्यता मिल जाएगी। तो मान्यता केवल कक्षा 5 या 8 तक की तो मिल जाएगी, जो इंटर के और हाई स्कूल के बच्चे कर रहे हैं उसकी उसने उनका क्या अधिकार है इन्हें? कितने क्लासों को ये पढ़ा रहे हैं वहाँ पर? 1 से लेकर 12 तक पढ़ा रहे हैं। अब क्या चाहते हो? मैं इसमें चाहता हूँ कि आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अधिकारी गणों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें पूर्ण कार्यवाही। और कोई कार्यवाही नहीं होती आगे करोगे?
तो हम मुख्यमंत्री तक भी जाने की साफ चेष्टा करेंगे।